हे व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल VSL पिक्चर्स। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में करने वाले कुछ इस टाइप की बर्थडे फोटो एडिटिंग। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, और यहाँ से ओपन करने के बाद आपको आना है यहाँ प्लस वाले आइकन पर एंड यहाँ से एडिट अ फोटो पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। देन क्या करना है, यहाँ से आना है ऐड फोटो पे, और जिस भी फोटो का आपने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो मैं सिंपल से यहाँ से ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ से ऐड कर लेना है। और अभी हमें क्या करना है गाइस, ये बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड पे हमें इस फोटो को अच्छे से मैच कराना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैच करा लेना है। देन इसका ओपेसिटी जो है उसको माइनस कर देना है। देन इसको क्लिक करके और यहाँ से फोटो पे क्लिक करके इरेज बैकग्राउंड पे चले जाना है, सॉरी गाइस इरेज पे चले जाना है। तो यहाँ से गाइस इरेज करना है, तो नीचे का पार्ट हमें इरेज कर देना है। देन इतना कर लेते हैं एंड अभी क्या करना है, आना है इस ब्रश वाले आइकन पर एंड अभी आना है ब्रश वाले पे। तो यहाँ से मैं इसको छोटा करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको, इसी से यहाँ पे लगा देते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा थोड़ा सा ब्लर कर देंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हार्डनेस को माइनस करके और इसका साइज़ हल्का सा बड़ा कर देना है। देन यहाँ पे हल्का हल्का सा मार देना है। तो अब ये देख सकते हो गाइस ये थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ डन एंड यहाँ पे इसका ओपेसिटी कर देंगे हाई। देन देख सकते हो गाइस ये फोटो ऐड हो चुका है। तो मैं सिंपल से यहाँ से कर लेता हूँ इसको डन। देन डन करने के बाद आना है फिर से ऐड फोटो पे, और यहाँ से गाइस एक केक का पीएनजी है तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। देन इसमें अभी क्या करना है गाइस, ये साइड साइड से इसको इरेज करना है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देन इसको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे केक को लगा देना है, कुछ इस टाइप से लगा देना है। देन क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड एक और इसका एक कॉपी कर लेते हैं और इसको क्लिप रोटेट करके नीचे की साइड यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है एंड इसको कर देंगे मूव डाउन, तो वो उस मॉडल उस पीएनजी के नीचे चला जाएगा। तो इसका ओपेसिटी हल्का हल्का माइनस कर देंगे कुछ इस टाइप से। देन इसको हम कर लेते हैं डन एंड डन करने के बाद अभी आना है हमको ऐड फोटो पे, और यहाँ से एक और पीएनजी ऐड करना है गाइस, जिसमें जितने भी स्टॉक मैंने यूज किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो। तो इसको मैं कर लेता हूँ डन एंड देख सकते हो गाइस ये फोटो हमारा एडिट हो चुका है। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, कलर वगैरह एडजस्ट करने हैं, तो इसके लिए मैं आना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो एंड यहाँ जब तक ओपन हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। एंड अभी यहाँ से ऑल फोटोज पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ऐड कर लेना है। तो ये रहा मेरा फोटो, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देन इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें कलर वगैरह एडजस्ट करने हैं। तो मैं सिंपल सा एक बार ऑटो पे क्लिक कर देता हूं, तो देख सकते हो गाइस कितना लाइट में आ गया है। तो मैं इसमें अपने से कुछ इसमें ऐड करूंगा, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कर देते हैं एंड सेट शार्पनेस को हल्का सा माइनस करेंगे। देन शैडो को हल्का सा माइनस करेंगे एंड व्हाइटनेस को हल्का सा माइनस एंड ब्लैकनेस को हल्का सा माइनस। देन क्या करना है, आना है कलर वाले टूल पर और यहां पे वाइब्रेंस को प्लस करेंगे एंड टेंपरेचर को भी प्लस करेंगे, इन को हल्का सा माइनस करेंगे। देन यहां पे आएंगे कलर मिक्स पर और इसमें रेड वाले को आउट को माइनस करेंगे एंड सैचुरेशन को हल्का सा प्लस करेंगे। देन आना है ऑरेंज वाले टूल पर, तो यहां पे सैचुरेशन को माइनस करेंगे एंड लुमिनेंस को प्लस करेंगे। तो अभी टेस्ट करा चुका है, कलर में गाइस लाइट आ चुके हैं, तो यहां पे आना है येलो वाले पे, तो इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड आउट को माइनस करेंगे। देन यहां पे ग्रीन वाले में भी सैचुरेशन को माइनस करेंगे एंड आउट को माइनस करेंगे, और यहां पे साइड वाले में भी सैचुरेशन को माइनस एंड ब्लू वाले में सैचुरेशन को माइनस एंड अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो यहां पे आना है ग्रेडिंग वाले टूल पर, तो यहां पे शैडो में हमें, तो यहां पे गाइस शैडो में हमें हल्का सा ब्लू निकालना है, तो लुमिनेंस को माइनस करेंगे एंड आप लोग ज्यादा चाहे कलर कर सकते हो गाइस, अगर आप कलर प्रूफ रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो मैं भी तो हल्का डार्कनेस रखूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।